आज मानव विकास के जिस मुकाम पर आ पहुंचा है वहां ऐसा लगता है जैसे उसके लिए अब कुछ भी असंभव नहीं रहा। हमने समय की गति के साथ अपूर्व उपलब्धियां करते हुए गौरवशाली सभ्यता का निर्माण किया है। विश्व संचार एवं तकनीक ने एक ऐसी दुनिया बना दी है जो कभी केवल हमारी कल्पना में बसती थी। अब विश्व एक वैश्विक ग्राम बनकर रह गया है। प्रत्येक दिन हम असंभव को संभव करते हुए एक ऐसी दुनिया बनाते जा रहे हैं जो सीमाबद्ध नहीं है। ऐसी दुनिया जिसमें कोई भी बात हमारी इच्छाओं को सीमाओं में बांध नहीं सकती। इस पर भी हमारी विकास की दौड़ अभी समाप्त नहीं हुई है। वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हम विकास की इस दौड़ में स्वयं को तो नहीं भूल गए हैं? प्राचीन काल से लोग एक सरल सत्य की खोज व अनुसंधान में लगे हुए हैं कि मेरा स्वयं का परिचय क्या है। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? हर एक मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक और जन्मजात होती है। कोई तो अतीत को जानने के लिए इतिहास में रुचि ले रहा है, कोई विधि विधान संविधान का अध्ययन कर रहा है, तो कोई विज्ञान व तकनीक का। ये कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अनेक बातों को तो जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। कोई तो स्वयं को एक शरीर मानता है, तो कोई अपने आप को मन या फिर कोई मस्तिष्क मानता है। भले ही ये सब हमारी पहचान के विषय में कहा जाता है, फिर भी ये प्रश्न तो उठता ही है कि मैं आखिर कौन हूं? ऐसा लगता है कि इसका उत्तर बहुत जटिल है, लेकिन जब मैं कहता हूं मेरे पैर, मेरे हाथ और मेरा शरीर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका सरल अर्थ ये नहीं कि मैं ये हाथ, पैर व शरीर नहीं हूं? तो ये कौन कह रहा है मेरा शरीर, वो मैं कौन है? वैज्ञानिक एवं डॉक्टर मन, बुद्धि, मस्तिष्क इत्यादि चीजों की चुनौतियों के विषय में असमंजस में हैं। यहां तक कि निकट मृत्यु की अनुभूतियां, देह के बाहर की अनुभूतियां, स्वप्न, पूर्व जन्म की स्मृतियां आदि भी तर्कसंगत नहीं लगते। पुनः वही प्रश्न उठता है कि इन सबको बताने वाला एवं अनुभव करने वाला कौन है? कभी कभी हम ऐसे प्रतिभावान बच्चों को देखते हैं जिनमें असाधारण योग्यता अल्प आयु में ही प्राप्त होती है। क्या कभी हमने ऐसी अद्भुत घटना के विषय में सोचा है? अब प्रश्न है, क्या शरीर मस्तिष्क के साथ अपने आप में संपूर्ण है? शरीर के विभिन्न अंगों को कौन चलाता है? मस्तिष्क को समय अनुसार सही संकेत देने वाला कौन है? क्या शरीर विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र है जिसमें जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं? तंत्रिका प्रणाली का संचालन, हार्मोन्स को प्रभावित करना, रक्त संचालन, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया आदि के संकेत कौन भेजता है? मृत्यु पर्यंत शरीर की क्रिया प्रणालियों को सुचारू रूप से कौन चलाता है? जरा सोचें, संकल्प कहां से उत्पन्न होते हैं? देह के साथ उनके अंत व्यवहार कैसे होते हैं? क्या विचारों का मूल स्रोत मस्तिष्क है या मस्तिष्क का भी संचालन करने वाला कोई और है? क्या संकल्प भौतिक हैं या पराभौतिक? परमाणु एवं अणु से निर्मित इस परिवर्तनशील दुनिया में कुछ पराभौतिक चीजें भी हैं जिन्हें ना तो किसी माइक्रोस्कोप व दूरबीन से देखा जा सकता है और ना ही किसी उपकरण से मापा ही जा सकता है
वास्तव में ऐसा कोई भी उपकरण अब तक ना तो बना है और ना ही बनाया जा सकता है। उनको खोज निकालने की एकमात्र विधि है अंतर्मुखी हो, गहन शांति में स्थित होना। आइए अब हम एक अनुपम यात्रा प्रारंभ करें और स्वयं के विषय में उस सनातन सत्य को खोज निकालें जिससे हमें पूरा ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होगा कि मैं कौन हूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये हूं। मैं एक आत्मा हूं, एक अति सूक्ष्म अविभाज्य और अविनाशी चेतन दिव्य प्रकाश बिंदु रूप हूं, एक पराभौतिक सत्ता हूं। जब तक मैं आत्मा इस देह में हूं तब तक ये कहा जाता है कि देह जीवित है। जब मैं आत्मा देह से निकल जाती हूं तो शरीर शव हो जाता है। इस घटना को ही मृत्यु कहते हैं, किंतु फिर भी आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी है। वो सदैव जीवित है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। मैं आत्मा ही सोचती हूं, निर्णय करती हूं और देह द्वारा जाने अनजाने किए गए सभी कर्मों के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझ आत्मा में ही सारे संस्कार समाहित हैं तथा मुझ में ही स्मृतियां भरी हैं। जी हां, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही है जो मैं हूं। ये कहना उचित होगा कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूं, न कि तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा, क्योंकि आप आत्मा हो और जो आपका है वो शरीर है। मैं आत्मा आकार में अति सूक्ष्म हूं, मैं अविभाज्य हूं। कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, हवा मुझे उड़ा नहीं सकती और पानी मुझे भिगो नहीं सकता। कोई भी भौतिक पदार्थ मुझ आत्मा के पथ को रोक नहीं सकता। मैं आत्मा अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व सनातन है। मैं मस्तिष्क के बीच में भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूं, यहीं पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शरीर की सभी इंद्रियों का मस्तिष्क द्वारा संचालन करती हूं। मुझ सूक्ष्म प्रकाश पुंज में ही अनगिनत प्रक्रियाएं चलती हैं। मुझ में ही देव के विभिन्न अंगों के संचालन, मानसिक चिंतन से लेकर अपने भविष्य के भाग्य को निर्धारित करने तक की बातें शामिल हैं। मैं आत्मा स्वतः ही ये जानती हूं कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। लेकिन मैं ये भूल गई हूं कि उस ज्ञान को किस तरह प्राप्त करूं। जब आत्मा शरीर में स्थित होती है तब वो तीन आंतरिक शक्तियों द्वारा कार्य करती है। ये शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मेरे संकल्पों की रचना का आधार है भूतकाल के अनुभव, प्रभाव, स्मृतियां तथा दूसरों द्वारा प्राप्त जानकारियां। आत्मा में निहित संकल्पों की रचना और अनुभव करने की शक्ति को ही मन कहते हैं। कभी कभी ऐसे विचार मन में प्रकट होते हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं होती और वे निरंतर बहते रहते हैं। ये कैसे होता है? इसका कारण है अवचेतन मन में
संचित पूर्व कर्मों की सुषुप्त स्मृतियां, मन में उठने वाले संकल्पों का स्वरूप कुछ भी हो सकता है, जैसे अच्छा या बुरा, समर्थ या व्यर्थ, सकारात्मक या नकारात्मक। संकल्प एक विचार भी हो सकता है। प्रायः संकल्प मुझे कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं। मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ कि ये करना है या नहीं, अभी करना है या बाद में, ये अच्छा है या बुरा, आदि आदि। संकल्पों को निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की आत्मा की इस क्षमता को ही कहा जाता है बुद्धि। निर्णय के आधार पर मैं आत्मा कर्म करती हूँ। कर्म आत्मा में अपनी छाप छोड़ता है, जिसका प्रभाव फिर विचार शैली पर पड़ता है, और इसे ही संस्कार कहा जाता है। कुछ संस्कार हल्के, कई मध्यम या बहुत गहरे भी हो सकते हैं। बहुत गहरे संस्कार कर्म के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। ये कर्म आपकी चेतन, अर्धचेतन या अचेतन अवस्था में भी हो सकते हैं। ऐसे गहरे छाप स्वप्न के रूप में निकलते हैं। किसी व्यक्ति के स्वप्नों का आधार उस व्यक्ति द्वारा किसी समय में किए गए कर्मों द्वारा छोड़ी गई छाप है। उदाहरण के लिए, कभी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटते हुए देखता है, या कुत्ते ने उसे ही कभी काटा हो, तो वो व्यक्ति कुत्ते को देखते ही भयभीत हो जाता है। इसी प्रकार जिसने कभी किसी को डूबते हुए देखा है या पानी से कोई दुखदायी अनुभूति की है, पानी को देखते ही वो व्यक्ति डर जाता है। इस तरह एक अजीब सा भय विकसित हो जाता है। गहराई में छपे हुए प्रभाव बहुत शक्तिशाली और तीव्र होते हैं। इस तरह के प्रभाव बार बार किए जाने वाले कार्यों के कारण होते हैं। वो व्यक्ति जो अपने अंदर नकारात्मक संस्कारों की उत्पत्ति करता है या उसकी जड़ें और गहरा होने देता है, ऐसे व्यक्ति न केवल स्वयं का नुकसान करते हैं, बल्कि समाज एवं विश्व में नकारात्मक अनुभूतियों और भावनाओं को फैलाने के माध्यम बन जाते हैं। इसी प्रकार सकारात्मक गुणों व संस्कारों को स्वयं के अंदर बढ़ाने वाले लोग केवल स्वयं का ही भला नहीं करते, बल्कि समाज एवं विश्व के लिए मूल्यवान संपत्ति बन जाते हैं। सकारात्मक विचार ज्यादातर धीमी एवं स्थिर गति के होते हैं। जब विचार व्यवस्थित एवं धीमे होते हैं, तब बुद्धि सही निर्णय दे पाती है, जिससे आनंददायी अनुभूतियां होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति शांत और स्थिर स्वभाव वाले होते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार अधिकतर अस्थिर, बिखरे हुए और तीव्र गति के होते हैं। इनसे नकारात्मक अनुभूतियों और भावनाओं को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि चिंता, आशंका, असुरक्षा और भय। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मन में एक साथ बहुत सारे विचार आते हैं। परिणाम स्वरूप बुद्धि सही निर्णय करने में सक्षम नहीं होती और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इसी स्थिति को आम तौर पर तनाव कहा जाता है। एक कार और एक ड्राइवर का उदाहरण
आत्मा और शरीर के मूल अंतर को समझने के लिए उपयोगी है। अगर आप अपने शरीर को एक कार मान लें, तो आप आत्मा इसका ड्राइवर हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, घुमाता है या रोकता है, वैसे ही आत्मा शरीर की विभिन्न गतिविधियां करती है। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, बिना ड्राइवर के नहीं चल पाती। जैसे ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही आत्मा शरीर को नियंत्रित करती है। मैं ही वो हूं जो गले, मुंह और जुबान का उपयोग कर बोलती हूं। मेरे निर्देश पर ही खाने पीने की क्रियाएं चलती हैं। इसी तरह मैं आत्मा कानों द्वारा सुनकर आवाजों को ग्रहण करती हूं। अगर शरीर को कोई कुछ छू जाता है, तो त्वचा द्वारा मैं ही महसूस करती हूं। और मैं आत्मा आंखों द्वारा देखती हूं। प्रत्येक दृश्य या वस्तुओं को देखने वाली मैं आत्मा हूं। संक्षेप में, मस्तिष्क सहित समस्त शरीर के अंगों का उपयोग आत्मा ही करती है। कभी कभी आत्मा भौतिक इंद्रियों के सहारे बिना भी कर्म कर सकती है। इस घटना को ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन अथवा छठी इंद्रिय भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आत्मा की एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा वो बिना किसी पूर्व अनुभव तथा बिना किसी भौतिक इंद्रियों के सहारे भी सूचना प्राप्त कर सकती है, जैसे कि टेलीपैथी, पूर्वाभास, भविष्य जानना, अंतर्ज्ञान और इस तरह की चीजें आत्मा के छठी इंद्रिय को दर्शाता है। मैं आत्मा ही संकल्पों की रचना करती हूं जो पराभौतिक है। अब प्रश्न ये है कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे महसूस करूं? वो अनुभव क्या है? ये शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे केवल शांत मनस्थिति में ध्यान योग के अभ्यास द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। फिर भी हम इस विचारधारा को समझने का प्रयास करेंगे। जरा सोचें कि एक बड़ा सा नकली मानवीय शरीर अपने सभी अंगों के साथ है। अगर आप आंखों की खिड़की के पास इस शरीर में एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो फिर आपको क्या अनुभव होगा? जब आप आंखों की खिड़की के भीतर से झांक रहे हैं, तो क्या आप अपने आप को इन आंखों की खिड़कियों से अलग महसूस नहीं करेंगे? आत्मा भी शरीर में बैठकर ऐसे ही महसूस कर सकती है कि आत्मा और शरीर अलग हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखते हुए प्रतिक्रिया कर रहा है, तब उसकी प्रत्येक प्रतिक्रिया सामने वाले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव पर आधारित होती है। विश्व का प्रत्येक मानव मन की शांति की आकांक्षा रखता है, जीवन में खुशी पाना चाहता है, प्रेम करने और पाने की इच्छा रखता है, शुद्धता और पवित्रता को पसंद करता है। 193। जन्म से ही हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में मानसिक क्षमताओं की अभिवृद्धि करना चाहता है और अधिक से अधिक ज्ञान पाना चाहता है। एक अबोध बालक आत्मा के मूल गुणों का स्वरूप होता है। मेरे मूलभूत 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति,
सुख, पवित्रता, आनंद और शक्तियां। मौलिक रूप से हर व्यक्ति इन गुणों का पैदाइशी अधिकारी है, इन सात दिव्य गुणों का स्वरूप है। गलत मान्यताओं अथवा अज्ञानतावश या वातावरण और व्यक्तियों के प्रभाव वश हम विपरीत दिशा की ओर मुड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को शरीर से संबंधित विशेषताओं में विभाजित कर लंबे समय से अपनी पहचान बना चुके हैं। अब ये समय है कि हम अपने मूल स्वरूप को समझ लें कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। इन संकीर्ण सीमाओं से परे हम इन विशिष्ट दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा हैं। व्यक्ति कैसे जन्म लेता है? कब भ्रूण माता के गर्भ में जीवित प्राणी बन जाता है? आत्मा कब गर्भ में प्रवेश करती है? भ्रूण जब तीसरे से पांचवें माह का होता है तभी उसमें जीवन शक्ति आती है। ये जीवन शक्ति ही आत्मा है। आत्मा को ही प्राण कहते हैं। आत्मा ही प्राण ऊर्जा है। आत्मा में संचित विशेषताओं और अनुभूतियों के आधार पर शरीर के डीएनए तथा विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। उंगलियों के निशान तथा अंगों की बनावट भी आत्मा के कर्मों के प्रभावों के आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में, मैं आत्मा ही अपने शरीर की बनावट का निर्धारण अपने विचारों, मन स्थिति और कर्मों के द्वारा करती हूँ। सामान्यतः जब आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है तो पिछले जन्म के अनुभव, स्मृतियां और घटनाओं को भूल जाती है। कुछ उदाहरण ऐसे हैं जबकि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की कहानियां सुनाते हैं, जिन्हें जांच के बाद सत्य पाया गया है। हम अक्सर देखते हैं कि अबोध बालक बिना किसी कारण रोते हैं या हंसते हैं। पूर्व जन्म की स्मृतियां ही इसका कारण होती हैं। इसकी दूसरी ओर मृत्यु क्या है? और मृत्यु के बाद क्या होता है? एक जीवित व्यक्ति कैसे मृत शरीर के रूप में परिवर्तित हो जाता है? मृत्यु वो स्थिति है जब आत्मा शरीर छोड़ देती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो शरीर जो खून, हड्डी, मांस से बना हुआ आत्मा का वस्त्र है, एक पुतला मात्र रह जाता है जो प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। अपने पुराने शरीर को छोड़ आत्मा दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश करती है। मनुष्य आत्मा पशु योनि में नहीं जाती। जैसे सेब के बीज से कभी संतरे का वृक्ष नहीं निकलता, वैसे ही मनुष्य आत्मा सदैव मनुष्य शरीर ही धारण करती है। आत्मा जब भी किसी नए शरीर को धारण करती है तो वो अपने नए मित्र संबंधी और अपनी एक नई पहचान बनाती है। जैसे कोई नाटक में कलाकार अपने अनुरूप वस्त्र पहनकर एक निर्धारित समय में अपना अभिनय करता है, ठीक उसी प्रकार इस विश्व रंगमंच पर आत्मा भी एक कलाकार की तरह अपने निर्धारित समय पर अभिनय करती है। और जब शरीर अधिक उम्र, बीमारी
या किसी घातक चोट के कारण बेकार हो जाता है, तब आत्मा शरीर को त्याग देती है और जन्म उपरांत जन्म लेती जाती है। इसी प्रकार जीवन एवं मृत्यु का ये अविनाशी चक्र इस संसार में चलता रहता है। विश्व नाटक अथवा विश्व इतिहास और कुछ नहीं बल्कि सभी आत्माओं का एकत्रित खेल है। आत्मा परम धाम में तब तक इंतजार करती है जब तक कि परिस्थिति उसके विश्व नाटक में प्रवेश करने के अनुकूल ना हो। एक बार आत्मा यहां आ जाती है तो उसे तब तक यहीं रहना पड़ता है जब तक कि सभी आत्माएं इस विश्व नाटक मंच पर न आ जाएं। कर्म के सिद्धांत मनुष्य मात्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए होते हैं। हमें कर्म का फल मिलता ही है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन सी आत्मा किस गर्भ में और विश्व के किस कोने में जन्म लेगी, नर या नारी, किस रूप में? ऐसे अनेक प्रश्न हमें विवश करते हैं सही उत्तर की खोज के लिए। हम यहां क्यों हैं? मैंने यहां जन्म लिया और उसने वहां क्यों? मैं इस प्रकार का हूं और वो उस प्रकार का क्यों है? ये चीजें इस प्रकार क्यों हैं? क्या कोई ऐसा लिख देता है कि इसे ऐसा ही होना चाहिए? हमें कर्म का फल मिलता ही है, चाहे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, और उत्तर सिर्फ इसी अविनाशी सत्य में निहित है। जो मैं करता हूं उसी अनुसार पाता हूं। ये बिना किसी पक्षपात के होता है, यही कर्म का नियम है अथवा क्रिया व प्रतिक्रिया का सिद्धांत। विश्व का कोई भी नियम बदल सकता है पर ये नहीं। हमें सही और गलत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है जिससे हमें ही फायदा है। और हमें ये समझकर कार्य करना है कि हमारे किस कर्म का हम पर, समाज पर और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा। उसका परिणाम अभी होगा अथवा भविष्य में। फल अच्छा होगा या खराब, प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा ही। इसलिए कर्म करने से पूर्व जरा सोचें। जो कर्म सिद्धांत को नहीं समझते हैं वे वर्तमान की घटनाओं को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्हें दृश्य के बदलने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। In a shocking incident today, British Airways flight BA582 from Mumbai to Manchester. प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण विद्यमान होता है, यही कर्म का नियम है। मेरा भविष्य इस समय किए कर्मों पर निर्भर है। इसलिए गलत तथा श्रेष्ठ कर्मों की कलम से हम अपनी भविष्य जीवन की कहानी लिखते हैं। आप जो बोते हैं वही पाते हैं।
प्रकृति कितनी अद्भुत है। इस संसार में करोड़ों व्यक्ति हैं, फिर भी प्रत्येक की उंगलियों के निशान अलग हैं। कोई भी दो डीएनए एक जैसे नहीं हैं। हम देखते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं। ये ऐसा इसलिए है कि कोई भी दो आत्माएं एक जैसी नहीं हैं। उनमें सिर्फ इतनी ही समानता है कि दोनों एक अविनाशी ज्योति बिंदु हैं। हम प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार में, तौर तरीके में, सोच में, रहन सहन में अंतर देखते हैं। संक्षेप में, प्रत्येक आत्मा का व्यक्तित्व भिन्न है। इसलिए मैं अपने आप में विशिष्ट हूं। मैं किसी से कम नहीं हूं या किसी से बड़ा नहीं हूं। जब मैं महसूस करता हूं कि मैं संसार में अद्वितीय हूं, मैं यहां अपना एक विशेष किरदार निभाने और जिम्मेदारी पूर्ण करने आया हूं, तो मैं अपना भविष्य गढ़ सकता हूं। मैं आत्मा, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हूं। ये शरीर और संसार जिसमें मैं रहता हूं, एक दूसरे से सूक्ष्म भावनात्मक एवं अदृश्य संबंध में जुड़े हुए हैं। मेरा प्रत्येक विचार, आचरण और कार्य मुझे और सारे विश्व को प्रभावित करता है। मानवीय संवेदनाएं प्रकृति और अन्य प्राणियों पर भी प्रभाव डालती हैं, बल्कि उनमें भावनात्मक बंधन है। अतः संसार में सभी के प्रति शुभ एवं कल्याणकारी भावनाओं का वितरण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जो कुछ हमारी दुनिया में हो रहा है, वो हमारी चेतना शक्ति का दृश्यांकन है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि देह भान के प्रभाव में किए गए कर्म संकुचित और आध्यात्मिक शक्ति विहीन होते हैं। इनसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ जैसी संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे समाज में विरोध, संघर्ष, अन्याय एवं दुख कष्ट फैलता है। इसके विपरीत आत्मस्मृति में किए गए कर्मों द्वारा प्रेम, सहानुभूति, शांति, उदारता और भाईचारे जैसी संवेदनाओं का जन्म होता है, जिनसे समाज में समरसता, एकता एवं सुखद अनुभूतियों की वृद्धि होती है। हमने अब तक जो ज्ञान प्राप्त किया है, इस आधार पर आइए अब हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें खुली रखें ताकि आपको अपने चारों तरफ के वातावरण का आभास रहे। अपने विचारों को समेट लें और संकल्प करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा ब्रिकुटी के मध्य विराजमान हूं। मैं आंखों द्वारा देखती, कानों द्वारा सुनती, नाक द्वारा सूंघती तथा श्वास लेती, मुख द्वारा बोलती और त्वचा द्वारा महसूस करती हूं। मैं शरीर की मालिक हूं। मैं अपने शरीर से अलग हूं। मैं अपने विचारों की रचता तथा शासक हूं। मैं स्वयं के संकल्पों की जिम्मेवार हूं। मैं आत्मा ही हूं जो निर्णय लेती हूं। मैं
अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हूं। मैं सचेत रहकर कर्म करने वाली हूं। मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकती हूं। कदम कदम पर अनुभव करें अपने आप को देखने और समझने की कि मैं आत्मा हूं और दूसरे भी, तो मैं अपने आप को अपने निजी गुणों, विशेषताओं और सकारात्मक शक्तियों के साथ अनुभव कर सकती हूं। मैं कौन हूं और मेरा आंतरिक स्वभाव क्या है, इसकी सही जानकारी मेरे दृष्टिकोण को दूसरों के प्रति बदलता है तथा दूसरों के प्रति अच्छे संबंध बनाने में हमारी मदद करता है और मुझे अपने आप को जानने की समझ मिलती है। जब मेरा प्रत्येक कार्य और व्यवहार आत्मिक स्थिति में होता है, तब मैं अपनी वास्तविक स्वरूप के अति समीप होती हूं। यही आत्मिक स्थिति है। इसी स्थिति में मैं अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करती हूं। इसलिए अपने आप को आत्मा समझें। अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जिएं और सबके प्रति सकारात्मक वृत्ति रखें, जिससे हमारा जीवन और हमारा समाज शांति, पवित्रता, खुशी और प्यार के प्रकाश से जगमगा उठे।